आखिर अजीत डोवाल जी को भारत के दुश्मनों का सबसे बड़ा काल क्यों कहते हैं? वैसे तो अजीत डोवाल जी की बहादुरी और कूटनीति के कई सारे किस्से हैं, लेकिन यह घटना तब की है जब साल 1999 में जब भारत का एक विमान जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रहा था उसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे अफगानिस्तान ले गए और उन्होंने भारत सरकार से $200 मिलियन और 35 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की और सरकार के ऊपर देश का इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो आतंकवादियों की सभी शर्तों को मान लेना चाहती थी। लेकिन अजीत डोवाल जी ने सरकार को ऐसा करने से रोका क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें निर्देश पाकिस्तान और ISI दे रही है, तो उन्होंने प्रेशर बिल्ड करने के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करी और देश में मिलिट्री की हरकत बढ़ा दी, जिससे पाकिस्तान को लगा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो फिर डोवाल जी ने आतंकवादियों से नेगोशिएशन किया और उनसे कहा कि पैसा तो बिल्कुल नहीं दूंगा और 35 की जगह सिर्फ एक मिलेगा, लेकिन सरकार के प्रेशर की वजह से उन्हें 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, लेकिन एक भी रुपए दिए बिना 170 में से 169 भारतीयों को अपने वतन सही सलामत ले आए। अजीत डोवाल जी ने कहा था कि अगर देश और सरकार का इतना प्रेशर ना होता तो बिना एक भी आतंकवादी को छोड़े सभी 170 भारतीयों को वतन वापस ले आता।